जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि प्याज क्या होने जा रहा है। दोस्तों, प्याज जो होता है हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। लहसुन और प्याज के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि तंत्र शास्त्र में और तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्याज के बारे में बहुत से मत ऐसे हैं कि प्राचीन शास्त्रों में भी प्याज का बहुत ज़्यादा उपयोग तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आप पर शत्रु कुछ किया कराया करवा देता है और उसके बाद वो शत्रु जो है आप पर कुछ भी नहीं रोकता, मतलब कि इतना ज़्यादा किया कराया करवा देता है कि आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, कलयुग चल रहा है और कलयुग में किया कराया करवाने वाले शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हम उन्नति करते हैं, हम तरक्की करते हैं, तो तरक्की करने से क्या होता है कि जो शत्रु विरोधी होते हैं वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वो शत्रु आपस में गुट बना लेते हैं और गुट बना करके हम पर किया कराया करवाते हैं, यानी कि हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब यदि जिन्होंने ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाकर वो किया कराया करवाने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारा ही कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस चल रहा है तो वो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो हमारी नौकरी में तरक्की नहीं होगी, हमारी तरक्की में रोड़े पड़ जाएंगे। हमें कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कि जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है और बिजनेस में हमारे बहुत सारे ग्राहक आ रहे थे लेकिन अगले दिन ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये होता है द्वेष, ईर्ष्या और जलन से। तो दोस्तों, शत्रु भी क्या होते हैं, शत्रु भी दो तरह के होते हैं। एक शत्रु तो वो होता है जो सामने से वार करता है, मतलब कि सामने से आकर के आपसे लड़ाई कर लेगा। दूसरा शत्रु वो होता है जो आप पर किया कराया करवाएगा, मतलब कि षड्यंत्रकारी शत्रु जिसे बोला जाता है, वो षड्यंत्र करेगा और फिर आप पर उस पर किया कराया करवा देगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ग्रुप में, मतलब जो शत्रु आपके बहुत सारे शत्रु हैं उन शत्रुओं के ग्रुप में लड़ाई करवाने वाला उपाय बताने आपको जा रहे हैं। दोस्तों, इतना कारगर उपाय है कि यदि आपने इसको कर लिया तो वो जो आपके जो शत्रुओं का ग्रुप बन गया, जो शत्रुओं का संगठन बन गया है आपके खिलाफ, वो शत्रु का संगठन खत्म हो जाएगा। और एक बार शत्रुओं का संगठन खत्म हुआ उसके बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, क्योंकि वो शत्रु एक घटित होकर नहीं रह पाएंगे। उन शत्रुओं को आप मार भगाएंगे, उन शत्रुओं का आप खात्मा कर देंगे, तो वो एक संगठित होकर नहीं रह पाएंगे। अब संगठित होकर नहीं रह पाएंगे, उससे क्या होगा, उससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि आप पर से शत्रु का ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। शत्रु अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और इतनी भयंकर लड़ाई वो करवाएगा कि हो सकता है कि वो जो शत्रु थे आपके, वो शायद आपके मित्र बन जाएँ, आपके पास आकर के आपके मित्र बने। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और इतना ज़बरदस्त उपाय आप यदि कर लेंगे तो आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि, सब कुछ चीजें साथ में हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में यदि बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आते रहें। साथ ही में दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना है, जय सन्यासी बाबा जरूर लिखे दोस्तों, क्योंकि सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम सरकार आपकी, आप पर कृपा बरसाए रखेंगे और आप पर हमेशा अपना हाथ रखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही में लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा चाहते हैं, साथ ही में महादेव की कृपा भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, लहसुन और प्याज, ये जो दो चीज़ें होती हैं ये शास्त्रों में बेकार मानी जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में ही बेकार मानी जाती हैं, लेकिन इन्हीं शास्त्रों में कुछ शास्त्र ऐसे हैं जहाँ पर इनके तंत्र शास्त्र में इनका उपयोग बताया गया है। यदि कोई हमसे दुश्मनी करे, यदि कोई हमसे हमारे सामने आकर के और हमारे जीवन में अंधियारा फैलाए, कोई हमारा कुछ बिगाड़ करे, तो दोस्तों इस तरह के जो उपाय हैं वो लहसुन प्याज के जो हैं वो शास्त्रों में किए जाते हैं, तंत्र शास्त्र में किए जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो हमसे लड़ाई करे, जो हमारे सामने आकर के खुद लड़े, तो हमें हमारी आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति को मारना जरूरी होता है, उससे कोई भी पाप हमें नहीं लगता। तो हम तो केवल मार नहीं रहे, हम तो केवल यहाँ पर लड़ाई करवा रहे हैं और हमारा काम सिद्ध कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्या है, देखिए, ये बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों,
और इसमें आप किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा शत्रुओं के बीच में आपस में जैसे मिले हुए हैं तो उन दोनों के बीच में नफरत करवाना चाहते हैं, उनको अलग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन दोनों में भयंकर लड़ाई करवाना चाहते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्यार है ना, गलत संगत में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं और उन दोनों लोगों को अलग अलग करवाने के लिए उनको उनके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय होने वाला है। अगर आपको किसी ने बहुत अधिक परेशान कर रखा है, आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। अन्यथा छोटी मोटी बात के लिए, छोटी मोटी रंजिश, लड़ाई झगड़े के लिए आप इस उपाय को नहीं करें, क्योंकि दोस्तों किसी इनोसेंट पे, किसी बेकसूर पे उपाय करेंगे तो आप पर ही उल्टा विपरीत असर पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे कि एक दूसरे की शक्ल देखना यदि पसंद नहीं करते, मान लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं वो बहुत आपस में प्रेम से रहते हैं, अब आप चाहते हैं कि ये शत्रु बिखर जाएं, तो इस उपाय को करने से वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसका जो समय रहेगा वह सूर्यास्त के से पहले का समय रहेगा, यानी सूर्यास्त से पहले पहले आप इस उपाय को करना होगा। तो दोस्तों उपाय में तीन चीज़ें मुख्य होती हैं, एक तो होती है उसको कब करना है, एक होती है कौन से दिन करना है, एक उसको होती है समय, कौन से समय पर करना है, उसकी सामग्री। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन ये इस उपाय को करना है। दिन तो ये हो गया, किसी भी दिन, आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही में आपको सूर्यास्त से पहले पहले इस उपाय को करना है, आप सूर्यास्त हो जाए उससे पहले पहले इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक लेना है प्याज, एक प्याज लेना है, प्याज बिल्कुल आपको लाल कलर वाला प्याज लेना है, जो लाल प्याज होता है, सफ़ेद प्याज नहीं लेना दोस्तों, उससे ये उपाय सिद्ध नहीं होगा। तो एक तो आपको प्याज लेना है और एक कील आपको लेना है। अब कील भी आप ला सकते हैं लोहे की, कोई सी भी आप कील ला सकते हैं, ठीक है। अब आप एक स्थान पर आप बैठ जाइए। दोस्तों आपको इस उपाय को गुप्त रूप से करना है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप इस उपाय को कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर आप बैठेंगे वहाँ पर बाधा डालने वाला या परेशान करने वाला आसपास अपने कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने पास एक चाकू भी रखना है, प्याज के साथ साथ आपको क्या रखना है, चाकू भी रखना है, कील रखनी है, और आप बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए, या कमरा भी लगा सकते हैं, कोई आपको रोके टोके नहीं, बिल्कुल एकांत वास होना चाहिए। आप छत पर जाकर के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं दोस्तों। अब आप क्या करें, अब आप प्याज जो है उसको बिल्कुल अपने सामने रखें और अपनी सीधी हथेली खोल करके हथेली के बीच वाला भाग उस प्याज के ऊपर रख दें, सीधे हाथ की हथेली, आपकी जो सीधे हाथ की हथेली है उसको लें, प्याज को तो आप रख देंगे। रखने के बाद जो प्याज का जो भाग होता है ना, जो प्याज का भाग होता है वह हथेली वाला जो आपका भाग है उस प्याज के ऊपर आपको रखना है, और उस सामने ज़मीन पर प्याज को रखकर उसके ऊपर अपने हाथ को आपको रख देना है। तो दोस्तों प्याज कहाँ रखना है आपको, प्याज रखना है अपने सामने ज़मीन पर, बिल्कुल सामने, और अपनी सीधी हथेली से उस प्याज को दबा देना है, मतलब हाथ ऊपर रख देना है उस प्याज के, कौन सा हाथ रखना है, सीधा हाथ रखना है। उसके बाद आँखें बंद करके उन दोनों लोगों को सबसे पहले स्मरण कर लीजिए जिनके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा। यदि 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं तो 2 लोगों का ध्यान कीजिए, 3-4 लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं तो 3-4 लोगों का ध्यान कीजिए। अब उसके बाद जब आप ये उपाय कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों लोगों को नहीं जानते, जैसे किसी का चेहरा नहीं जानते, तो आपको शक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको नहीं सोचना है, जिनके ऊपर आप शक कर रहे हैं उनको नहीं सोचना। अगर आप कंफर्म है तो ही सोचिए दोस्तों, कंफर्म नहीं है तो फिर आप शक के बिना पर किसी भी इंसान का सोचना गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप 2 ही लोगों का जो भी नाम है आप मन में आपको बार बार उच्चारण करना है, है ना, यानी आपस में जोड़ करके उनका नाम लेना है, उसके बाद आपको एक शब्द बोलना है, आपस में जोड़ करके उनका नाम ले, उसके बाद आपको एक शब्द बोलें दोस्तों। अब वो शब्द क्या रहेगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस शब्द को आपको बोलना है, आपको दिखना है, केवल एक ही बार बोलना है, फिर प्याज के ऊपर से आपको हाथ हटा लेना है, है ना। अब वो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है और यहाँ भी आपके सामने आएगा, वो कौन सा शब्द है उसको समझ लिए दोस्तों कि कौन सा शब्द। अब ये जो स्क्रीन पर हम आपको नाम दिखा रहे हैं, ये आपको बोलना है खट। दोस्तों खट नाम बोलने के बाद आपको एक ही बार ये नाम बोलना है और प्याज के ऊपर से अपना हाथ को हटा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्याज को ज़मीन से उठाना है और उल्टे हाथ से हथेली पर रख देना है, यानी उल्टे हाथ की जो हथेली है आपकी वहाँ पर आपको उसको रख देना है, और उसके बाद इसके ऊपर अपना सीधा हाथ रख देना है, हथेली खोलकर बिल्कुल सीधा हाथ रखना, और फिर उसके बाद आँखें बंद करके इस मंत्र का उन दोनों व्यक्तियों को एक बार फिर सोचकर, जैसे पहले किया था वैसे ही सोचकर आपको क्या करना है, इस मंत्र को बोलना है। अब इस मंत्र को बोल के ओम
तमस से खट को अमुक त अमुक लगाए फट। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आपको 6 बार करना है। दोस्तों अमुक के स्थान पर आप उस व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि अमुक का मतलब होता है उस व्यक्ति का नाम, तो आप उस व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं जो आपको सबसे प्रिय है। तो औरत जो है अमुक स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, मतलब कि जो भी अमुक है उसके स्थान पर, मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है उस व्यक्ति का, उसका व्यक्ति आपको अमुक के स्थान पर नाम लेना है। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, लेकिन दोनों दुश्मन जो आपके हैं वो किसी भी जगह किसी का भी नाम ले सकते हैं। 6 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको जो अपने प्याज जिसने लिया था चाकू के माध्यम से आपको उसको काट देना है, बीचों बीच काट देना है, और घर से बाहर जा करके प्याज के टुकड़े को बाईं तरफ फेंकना है, दूसरे प्याज टुकड़े को दाईं तरफ फेंक देना है। और इतना उपाय करने के बाद दोस्तों आपको सीधे मुड़कर घर पे वापस आ जाना है, अपने हाथ पैर धो लेने हैं, हाथ पैर धो करके अपने काम में लग जाना है। तो दोस्तों यकीन मानिए इतना कर लेंगे ना आप, इतना कर लेने के बाद आपको अपने जीवन में कभी भी दुश्मन जो आपके दुश्मन हो गए हैं, जो आपका ग्रुप बना करके आपको परेशान करते हैं, उन दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों मैं मंत्र फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, आपने यदि मंत्र ढंग से नहीं सुना हो तो दोस्तों मंत्र है ओम तमस से खट को अमुक त अमुक अलगाए फट। दोस्तों ये मंत्र है, एक बार फिर से सुना रहा हूँ मैं मंत्र, ओम तमस से खट को अमुक त अमुक लगाए फट। दोस्तों ये जो है इसमें अमुक की जगह आपको नाम लगा देना है। तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सब मर जाएंगे, लड़के आपस में लड़के और आपकी जो है विजय हो जाएगी और दुश्मनों की हार हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ ही में जय श्री राम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करना दोस्तों इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि और का भी बुला हो सके और पुण्य कमाए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भागेश्वर दफ्तर।